फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है कि एंकल जॉइंट के पास में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि नीचे के पैरों में सूजन आ जाती है। समझ में नहीं आता कि ये रीजन क्या है, तो आज हम इसके होने वाले कारणों के ऊपर एक चर्चा करेंगे। ज्यादातर केसेस में जो पैरों में सूजन आती है, इसका मतलब होता है कि जो थर्ड स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड बढ़ गया है। हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। उस सिस्टम के अंदर अगर ओवर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाती है। कुछ केसेस में ये पैदाइशी भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लिपिडीमिया की बीमारी हो सकती है, या नेचुरली उनके सॉफ्ट टिश्यू बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों के पैर कंपैरेटिवली इन जनरली थोड़े से मोटे होते हैं। जब ये फ्लूइड बढ़ने की वजह से होता है तो दो रीजन होते हैं, या तो कोई कारण पैर के अंदर ही है जिसकी वजह से लोकल फ्लूइड बढ़ गया है, जैसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक कंडीशन होती है चोट लगने के बाद होती है, या किसी वेन के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है, या ये पूरा सिस्टमिक रीजन होता है, जैसे कि कोई कार्डियक बीमारी हुई, लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्मोन डिस्टर्बेंस, उनकी वजह से भी पैरों में सूजन आ सकता है, फ्लूइड बढ़ सकता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। जो वेन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो हमारे शरीर में दो तरीके की मेन ब्लड ले जाने वाली नलियां होती है, एक जो हार्ट से प्योर ब्लड लेके नीचे जाती है जिनको हम आर्टरी बोलते हैं, एक पैरों से वापस हार्ट की तरफ ब्लड लाने वाली वेसल्स होती हैं जिन्हें हम वेन बोलते हैं। ज्यादातर पैरों में सूजन आने के कारण जो होते हैं, स्पेशली 50 साल से ऊपर की एज में, उसमें वेन के अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होता है। उसके अलावा हमने लिम्फेटिक कॉजेस के बारे में भी बात की है कि लिम्फेटिक कॉजेस भी होते हैं। ये स्वेलिंग जो होती है ये सडन भी हो सकती है और ग्रेजुअल भी हो सकती है। सडन का मतलब है एकदम से सडनली स्वेलिंग आ जाए विद इन 72 आवर्स, तो उसके कॉज अलग होते हैं। ग्रेजुअल का मतलब है कि 3-4 दिन बाद उसके बाद आनी शुरू हो जाए। ज्यादातर केसेस में जो पेन का रीजन होता है वो ये स्वेलिंग जब बहुत ज्यादा आ जाती है तो एक एकिंग पेन होता है, पैरों में हैवीनेस की फीलिंग आती है, वेन्स डिस्टेंड कर जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, स्किन के अंदर चेंज लगने लगते हैं। अगर लंबे समय से होती है तो उस पैर की स्किन भी अलग कलर की दिखती है। अगर ये कारण किसी एक पैर में हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसी पैर के अंदर की वेन प्रॉब्लम करी है, या घुटने के पीछे एक सिस्ट होती है जिसे हम बेकर सिस्ट बोलते हैं, कई बार वो रप्चर होती है उसी पैर की, तो उसी पैर के अंदर सिम्टम आएंगे। अगर ये दोनों पैरों के अंदर हो रहा है और अभी रिसेंटली होना शुरू हुआ है तो डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस या हार्ट फेलियर अगर सडनली आना शुरू हुआ है, क्योंकि जो और रीजन है उनमें थोड़ा सा स्लो आता है। क्रॉनिक केसेस के अंदर जो बात करते हैं उनके अंदर मेनली प्राइमरी लेवल पे वीनस डिजीज ही होती है, वेन की डिजीज ही होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, या कोई थ्रोम्बोटिक कंडीशन आई हो जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो। हमने बात की थी कि एक्यूट हम तब बोलते हैं कि एक्यूटली धीरे धीरे आने को, तो बोलते हैं स्लो। जो एक्यूट है वो सडन है, तो 72 आवर्स के अंदर अंदर स्वेलिंग आ रही है पैरों के अंदर। कई बार बहुत ज्यादा चलने की वजह से हो सकता है कि वेन्स उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और बहुत ज्यादा चले, डीबीटी के होने से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, चोट लगने से, ट्रॉमा से हो सकता है, हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, या किसी दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है, या दवाई की वजह से हो सकता है। तो धीरे धीरे आने वाले कारण होते हैं, क्रॉनिक कारण होते हैं, उनके अंदर मेनली वेन की इनसफिशियंसी होती है। वेन जो है सही से काम नहीं कर रही है, जो वापस हार्ट में ब्लड लेके आ रही है, या लिम्फेटिक सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, या कोई फुट के अंदर प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन ऐसी खा रहे हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस में वेन की प्रॉब्लम ही होती है जो स्वेलिंग बढ़ाती है। उसकी पहचान है कि जब आप पैर लटका के रखेंगे तो सूजन रहेगी, जब आप पैर को ऊंचा करके रखेंगे तो सूजन कम हो जाएगी। थोड़ा पेन रहता है, दुखन रहती है, जल्दी थक जाते हैं, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। कई बार आर्थराइटिस के अंदर भी इस प्रकार की कंडीशन होती है, कोई आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कोई चोट लगी है उसके बाद एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी, उसमें ऐसा मिलता है, या लिपिड इकट्ठा हो जाता है ज्यादा उसकी वजह से। तो जब हम कॉजेज ढूंढ रहे होते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, तो हम वेरिकोज वेन को देखते हैं, वेन की प्रॉब्लम देखते हैं, डीबीटी तो नहीं हुआ है, कोई ऐसी चोट तो नहीं लगी जिसकी वजह से वो लंबे समय तक बेड रेस्ट पे है, कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी तो नहीं हुई है, कोई आर्टरी रिपेयर तो नहीं हुई है, कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है, कोई पैल्विक एरिया के अराउंड कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, या किसी ट्यूमर की वजह से रेडिएशन थेरेपी तो नहीं चल रही है। साथ ही साथ जब हिस्ट्री लेते हैं तो हम हार्ट की कोई प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, हार्मोन की प्रॉब्लम, उनको भी हम एक्सप्लोर करते हैं।
बहुत सारे केसेस में दवाइयां हेल्प करती हैं, स्पेशली हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर एमलोडिपिन या बीटा ब्लॉकर, क्लोनिडिन, उनकी साइड इफेक्ट होते हैं कि पैरों में एडिमा या सूजन आ जाती है। ओबेसिटी एक नेचुरल कॉज है जिसकी वजह से पैर में सूजन होती है। तो इस पूरी की पूरी वीडियो का पर्पज यही है कि ये सारे कॉजेज होते हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना होता है, तब जाके पता लगता है उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है। कोई एक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता कि सारे के सारे स्वेलिंग का एक ही ट्रीटमेंट है। अगर हमें सही कॉज पता है तभी हम इस स्वेलिंग को, इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो का पर्पज यही है कि सही कॉज आपको पता हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ के।